पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है तो उसको लेने का इरादा है हमारा इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में <laughs> क्या भले आदमी इतना ही पहचानते होंगे द इंडियन होम मिनिस्टर आजाद जम्मू एंड कश्मीर एड्रेसिंग द इंडियन पार्लियामेंट भारत आने वाला है मोदी आने वाला है वो हलाकू खान बनकर आएगा बहुत बुरी तरह सफाई होगी यहाँ पर मुझे हाँ। तो यही लगता है कि मोदी साहब तीसरी बार भी अपनी हुकूमत बना पा बना लेंगे अब इसका असर पाकिस्तान भारत तालुक पे क्या होता है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो तो ये मानते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है और हमारा इलाहा कश्मीर के साथ था तो अब कश्मीर को अलहदा कोई या कोई स्टेटस देने की जरूरत नहीं है और जो वो आर्टिकल थ्री सेवेंटी था वो उसी तरह से है और बिल्कुल ये कश्मीर हमारा हिस्सा है यहाँ पर इलेक्शन होंगे और बाकी तमाम चीजें होंगी उसमें उनको कामयाबी मिल रही है और मोदी साहब लगता है की अभी तक बड़े पॉपुलर है आपको पता है बरतानिया इस टाइम हुकूमत कौन कर रहा है उसके बारे में भी देखें वजी कौन है कर? भी रिशी रिशी सनद। सनद है आज वो गोरों पे कर रहे है इंडियन तो इंडियन कि कि किस तरह मामला को हम आगे लेकर चलेंगे और जो डेड लॉक पिछले चार पांच सालों से है पाकिस्तान भारत के दरमियान उसको टूटना तो चाहिए लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर उर्दू में एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट जो है वो जारी की और मैसेज जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान पाकिस्तान के के लिए था, की के लिए था, था। की हुकूमत हेलो फ्रेंड्स जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों इस महीने दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पाक अधिकृत कश्मीर को वापस पाने के लिए अंदरखाने कुछ ठोस नीतियां बना रही है सबसे पहले तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से जुड़े दो विधेयक जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पेश किया जिसे बाद में पारित कर दिया गया इस बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने बताया कि पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। दूसरी बड़ी बात जो अमित शाह ने कही की ये पी हमारा है और उस पर हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले को सही बताया और उसे बरकरार रखा इसके बाद फिर से पीओके को लेकर लोगों की आकांक्षाएं लेने लगी हैं। आर्टिकल 370 प्रकरण के बाद विशेषज्ञों है कि मोदी सरकार निकट भविष्य में पीओके को वापस लेने के लिए कुछ कदम उठा सकती है पाकिस्तान ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया फॉरेन ऑफिस ने भी कहा कि जी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब्दील करते हैं इस फैसले की लेकिन फैसला हो चुका भारत में अब इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे फैसला मकबूजा कश्मीर के हवाले से क्योंकि इसका लुबे लुबाब में बता रही हूं जब आप लॉ की लैंग्वेज में सुनते हैं या उस तरह से खबरों में बताया जाता है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है लेकिन क्रक्स ये है कि जी वो ये मानते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है और हमारा इलाहा कश्मीर के साथ था तो अब कश्मीर को अलहदा कोई मुमलिकत या अलहदा कोई स्टेटस देने की जरूरत नहीं है और जो वो आर्टिकल थ्री सेवनटी था वो उसी तरह से है और बिल्कुल ये कश्मीर हमारा हिस्सा है यहाँ पर इलेक्शन होंगे और बाकी तमाम चीजें होंगी जो कि भारत की जिम्मेदारी होगी और भारत ये तमाम चीज़ों को करेगा क्योंकि वो ओन करता है कश्मीर को। so, इस से हम बात करेंगे। इंडिया ने तो अब ये सोच लिया है जाहिर है उनकी तरफ से जिस तरह से पहले जब ये आर्टिकल आ, का इनका हुआ था उसी वक्त पता चल गया था कि जी उन्होंने अपनी मनमानी करनी है। अब वो किसको सुनते हैं या क्या करते हैं या इसमें क्या हो सकता है आगे बिल्कुल ऐसे देखिए बात यह है कि मुझे तो बिल्कुल हैरत नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होना तो वो भी नहीं चाहिए जो फलस्तीन में हो रहा है होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए जितना जहां जहां भारत अपनी मनमानी करता है होना तो वो भी नहीं चाहिए लेकिन जो प्रेसिडेंट सेट हुई हुई है हामिद साहब वो तो यही है कि भारत जो है वो इस खत्ते का चौधरी है बाकायदा उसको ये सपोर्ट किया जा रहा है कि वो इस खत्ते का चौधरी बने और जब वो जाहिर चौधरी है तो चौधरी की मर्जी वो कोई भी फैसला करे वो किसी भी तरह की उतार चढ़ाव करे उसने तो दूसरों को प्लीज करना है ना जो बेस्ट में बैठे हैं तो इसमें पाकिस्तान बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान को आवाज उठानी चाहिए फॉलो अप करना चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का भी प्रेसिडेंट यही सेट हुआ हुआ कि हमारा कोई भी मसला है ना वो अटका ही हुआ है हम उस पर ना कोई काम करते हैं ना रिसर्च करते हैं ना कोई हमारे पास न जाने क्या प्रॉब्लम है लेकिन हमारा भी जो भी मसला है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी में गया हुआ वा, वो वापस नहीं आया रिजॉल्व होकर उसमें उनको कामयाबी मिल रही है और मोदी साहब लगता है कि अभी तक बड़े पॉपुलर हैं खासतौर पर हिंदी बेल्ट में उसमें बहुत से अवामिल हैं एक तो बड़ा उन्होंने खुतिन को भी टारगेट किया बड़े वेलफेयर प्रोग्राम भी खातन के लिए शुरू किए ख़ास पर मध्य प्रदेश में तो वो एंटी इनकम्बलि फैक्टर भी नहीं रहा तो बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन था अब इसकी किस तरह इसका असर होता है लोकसभा के इलेक्शन में जो अगले साल होने जा रहे हैं अप्रैल मई में मुझे तो यही लगता है कि मोदी साहब तीसरी बार भी अपनी हुकूमत बना पाल बना लेंगे अब इसका असर पाकिस्तान भारत ताल्लुक़ पे क्या होता है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और जब भी हुकूमतें तब्दील होती हैं एक मौका तो मिलता है कि आप रिविज़िट करें चीज़ों को देखें किस तरह मामला को हम आगे लेकर चलेंगे और जो डेड लॉक पिछले चार पाँच सालों से है पाकिस्तान भारत के दरमियान उसको टूटना तो चाहिए लेकिन किस तरीके से टूटना चाहिए ये एक अहम सवाल है मेरे अपने ख्याल में इनफॉर्मल चैनल पे या बैक चैनल पे डिस्कशंस होनी चाहिए मुजाकर होना चाहिए और इस बार हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जम्मू और कश्मीर के जो तनाज़ है उसको हम अप फ्रंट डिस्कस करें और रिजॉल्व करें अगर हम उसी फॉर्मल स्ट्रक्चर डायलॉग में पड़ गए तो फिर हम मजीद अपनी जम्मू और कश्मीर पोजिशन है उसको हम कमजोर करेंगे पाकिस्तान में देख, भी देखना है की यहाँ कौन सी बन, बनती है देखिये अभी रिसेंटली जो आपकी बात शुरू होने से पहले मैं ये कहूँगा में नजर आ रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे अटैक कर रहे हैं किसी के ऊपर <laughs> आए थोड़ा सा फ्रेश हूँ मैं इसलिए अच्छा आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर देखिये शुएब भाई अभी जो आपने खबर सुनाई कि हांगकांग दुनिया की एक पावर बना हुआ था इकोनॉमी में भी स्टॉक एक्सचेंज में भी हर चीज में वो पावर पावरफुल बना हुआ था अभी इंडिया ने उसे बीट किया अब इकोनॉमी में उसमें स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया ने हांगकांग को बीट करके उसकी जगह उसकी सीट इंडिया ने संभाल ली ये तो हो गया स्टॉक एक्सचेंज अभी आए थोड़ा सा पीछे जो हर बंदे ने खबर सुनी हुई लेकिन मेरे तरीके से किसी ने सुनी हुई मैं आपको बताता हूँ बरतानिया के बारे में कि बरतानिया देखिए इस टाइम किसी एक टाइम था कि बरतानिया में सुना जाता था जिस पता चलता था किताबों में पढ़ते हैं हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि है। बरतानिया बरे सगीर पाक हिंद पे जो इसने हुकूमत की इसका कब्जा था रूल किया आ, रूल किया इसने पूरे बड़े सगीर के ऊपर इसने पावर दिखाई अपनी इवन के सुनने में ये भी आता था कि इधर से कीमती चीजें निकाल के ले गए हुए हैं जैसे कोहे नूर है से बर्तानिया सब कुछ सोने की चिड़िया निकाल के ले गया इधर से जो कहा ये जाता था कि भाई जो वो सोने की चिड़िया जी और वो सारा कुछ लूट के कह ले या जो भी जैसे भी वो यहाँ से ले गया, अपने गया। अभी आए मेन मुद्दे पे जो इतनी स्टोरी सुनाने का जो मकसद था उसके ऊपर आते हैं देखिए बरतानिया दुनिया के पांचवें नंबर पे एक पे था इंडिया ने उसे बीड किया ऐसे साइड पे किया हाँ। और पांचवें नंबर पे इंडिया आके बैठ गया ये तो छोटी सी बात है सर अभी आगे चलिए अभी आगे मजा आएगा आपको अब आप देखें हम सुनते थे कि बरतानिया ने हकूमत की बरे सगीर पाक हिंद पे आपको पता है बरतानिया पे इस टाइम हुकूमत कौन कर रहा है उसके बारे में भी देखें वजी अजम कौन है बरतानिया इंडियन ऋषि सनत इंडियन है आज वो गोरों पर खूमत कर रहे हैं ये प्राउड है हमारे लिए आप ये देखें कि जिसे हम कहते थे कि वो एशिया में से सब कुछ निकाल के ले गया उससे बड़ी इकोनमी इंडिया की है भाई